रिजल्ट आने के बाद चुनावी राज्यों में अगर आंकड़ों का पेच फंसा तो सभी को राज्यपाल याद आएंगे। सरकार बनाने में उनकी अहम भूमिका जो रहती है। ऐसे में आइए हम पांचों चुनावी राज्यों के राज्यपालों के प्रोफाइल पर नजर डालते हैं, देखते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि पेच फंसने पर राज्यपाल क्या फैसला ले सकते हैं। नमस्कार, मैं पूजा अम्बेडकर, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। सबसे पहले जानते हैं कि राज्यपालों की क्या खास भूमिका होती है। विधानसभा चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल ही न्योता देते हैं, इसलिए चुनाव में बराबरी का मुकाबला होने पर राज्यपाल काफी अहम भूमिका में होते हैं। ऐसी स्थिति में राज्यपाल दो प्रमुख आधार पर न्योता देते हैं, पहला सबसे बड़ी पार्टी को, दूसरा राज्यपाल किसी गठबंधन को भी न्योता दे सकते हैं जब वे अपने विवेक के आधार पर यह मानते हों कि गठबंधन के पास सरकार बनाने के लिए पूरा समर्थन है। इसके लिए वे विधायकों के समर्थन पत्रों के साथ उनकी राजभवन में परेड भी करा सकते हैं। यही वजह है कि किसी राज्य में बराबरी का मुकाबला होने पर गवर्नर की भूमिका अहम हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गुजरात में बीजेपी सरकार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। आनंदीबेन पटेल सबसे पहले अहमदाबाद की मोहिनीबा कन्या विद्यालय की प्रिंसिपल थी। आनंदीबेन के पति मफत भाई पटेल उन दिनों भाजपा के बड़े नेता थे। नरेंद्र मोदी और शंकर सिंह वगेल ने आनंदीबेन को भी भाजपा से जुड़ने के लिए कहा। उसी साल आनंदीबेन भाजपा में शामिल हो गई और गुजरात प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी। इसके बाद 1994 में गुजरात से राज्यसभा सांसद, 1998 की विधायक और शिक्षा मंत्री बनी। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद भी आनंदीबेन मंत्री बनी रही। 2014 में नरेंद्र मोदी के गुजरात सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद आनंदीबेन पटेल को जिम्मेदारी दी गई। आनंदीबेन का पूरा राजनीतिक करियर भाजपा और खासकर मोदी धड़े में बीता है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने के पहले वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी राज्यपाल रह चुकी हैं। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित 1999 से ही बीजेपी का हिस्सा रहे हैं। 1978 से राजनीति में सक्रिय रहने वाले बनवारी लाल पुरोहित इस वक्त पंजाब के राज्यपाल हैं। वे दो दशकों से बीजेपी के साथ रहे हैं। 2018 की बात करें, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला पत्रकार ने उनसे कोई सवाल पूछा। पुरोहित ने जवाब ना देकर महिला पत्रकार के गाल थपथपा दिए। इस मामले को लेकर काफी बवाल मचा और पुरोहित को माफी मांगनी पड़ी। पुरोहित इस वक्त पंजाब के राज्यपाल हैं। वो महाराष्ट्र के विदर्भ जिले के जाने माने नेता हैं। उन्होंने अपना राजनीतिक करियर कांग्रेस पार्टी से शुरू किया था। 1978 में वह पहली बार नागपुर ईस्ट से विधायक चुने गए। इसके बाद 1984 में पुरोहित 8वें लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी से सांसद बने थे। 1999 में वह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। 2003 में बनवारी लाल ने विदर्भ राज्य पार्टी के नाम से अपना राजनीतिक दल बनाया। 2009 में वह एक बार फिर से बीजेपी में शामिल होकर लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन इसमें उनकी हार हुई। अगस्त 2016 में बनवारी लाल को असम का गवर्नर नियुक्त किया गया। फिर 2017 में वह तमिलनाडु के राज्यपाल नियुक्त हुए। 27 अगस्त 2021 को वह पंजाब के राज्यपाल नियुक्त किए गए। अब आते हैं गोवा पर। गोवा के राज्यपाल एस श्रीधरन पिल्लई दो बार केरल बीजेपी अध्यक्ष रह चुके हैं। लंबे समय तक केरल की राजनीति में सक्रिय रहने वाले पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पी एस श्रीधरन पिल्लई इस वक्त गोवा के राज्यपाल हैं। कोरोना महामारी के दौरान पहली बार 24 मार्च 2020 को देश भर में लॉकडाउन लगा। इसके बाद मार्च से अगस्त के बीच 4 महीने में पी एस श्रीधरन पिल्लई ने 13 किताबें लिख दी। इस वक्त यही श्रीधरन गोवा के राज्यपाल हैं। पहली बार श्रीधरन अक्टूबर 2019 में मिजोरम के राज्यपाल बनाए गए थे। इसके बाद उन्हें गोवा में राज्यपाल की जिम्मेदारी मिली। पी एस श्रीधरन पिल्लई 2003 से 2006 के बीच केरल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। इस दौरान 2004 में पहली बार केरल और लक्षद्वीप में बीजेपी ने संयुक्त रूप से 2 लोकसभा सीटें जीती थी। 2018 में एक बार फिर से उन्हें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पी एस श्रीधरन पिल्लई ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत एवीवीपी से की थी।
श्रीधरन युवा अवस्था से अब तक बीजेपी के बेहद करीबी हैं। इसी वजह से तोहफे में उन्हें राज्यपाल का पद मिला है। अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर के ला गणेशन ने राजभवन को दिए प्रोफाइल में बताया आरएसएस से उनका पारिवारिक नाता है। ला गणेशन मणिपुर के राज्यपाल हैं। वे इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं। 2003 की बात है, तमिलनाडु बीजेपी के उस वक्त के अध्यक्ष किरुबा निधि और बीजेपी नेता ला गणेशन एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मध्य प्रदेश पहुंचे थे। इस दौरान गणेशन ने आपसी विवाद के बाद जाति का जिक्र करते हुए किरुबा निधि को कोसना शुरू कर दिया। इसके बाद वे विवादों में आ गए थे। अब इस वक्त ला गणेशन मणिपुर के राज्यपाल हैं। 27 अगस्त 2021 को उन्होंने ये पद संभाला था। इमरजेंसी के बाद 1970 से ही ला गणेशन बीजेपी से जुड़े रहे हैं। गणेशन बीजेपी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और नेशनल सेक्रेटरी के पद पर रह चुके हैं। 5 दशक से ज़्यादा समय से पार्टी से गहरे जुड़ाव की वजह से ही उन्हें यह अहम जिम्मेदारी दी गई थी। अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर परिचय में राज्यपाल ने आरएसएस से जुड़ाव की जानकारी दी है। अब आते हैं उत्तराखंड पर। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह सेना के पूर्व उप प्रमुख रह चुके हैं। गुरमीत सिंह भारतीय सेना में पूर्व उप प्रमुख पद पर रह चुके हैं। उनकी पहचान चीन के मामले में एक एक्सपर्ट के तौर पर रही है। 2002 की बात है, भारतीय सेना के पूर्व उप प्रमुख गुरमीत सिंह एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बीजिंग गए थे। इस दौरान दोनों सेनाओं को अपने मैप साझा करने थे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख दोनों देशों की सीमा मैप में अलग अलग थे। इस दौरान गुरमीत चीन अधिकारियों के साथ हिमाचल और उत्तराखंड के लगे बॉर्डर विवाद को सुलझाने में कामयाब रहे, लेकिन लद्दाख के मामले में सहमति नहीं बन पाई। यही वजह है कि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह चीन से निपटने के मामले में एक्सपर्ट माने जाते हैं। लेक पर तनाव के बीच 7 बार उन्होंने चीन का दौरा कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद 15 सितंबर 2021 को गुरमीत सिंह उत्तराखंड के गवर्नर बनाए गए। पहली बार सैन्य पृष्ठभूमि वाले एक अधिकारी को राज्यपाल बनाया गया जिनका बीजेपी से कोई जुड़ाव नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये सभी समीकरण क्यों बताए, क्योंकि यही वो समीकरण है जो आपको चुनावी मुठभेड़ को समझने में आसानी देगा। और अब आपने ये तो समझ ही लिया होगा कि 5 राज्यों के राज्यपाल में से 4 राज्यपाल चुनावी क्षेत्र बल्कि बीजेपी और आरएसएस से जुड़े रहे हैं। ऐसे में अगर चुनावी आंकड़ों की बात करें तो पेच फंस सकता है। पूरी खबर को ध्यान से समझने के बाद बाकी आप समझ ही सकते हैं। शुक्रिया।